हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर जो आप आईटेल मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं तो फोटो खींचने पर फ्लैश लाइट नहीं जलता है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको अपने आईटेल मोबाइल का कैमरा ओपन करना है और उसके बाद ऊपर साइड लेफ्ट साइड कोने तरफ आपको टाइमर वाला आइकॉन और एआई वाला आइकॉन के बीच में आपको यहाँ पर इस तरह का एक आइकॉन मिल जाता है, जहाँ पर मैं गोला को घुमा रहा हूँ इस तरह का आइकॉन मिल जाता है। तो आपको इस आइकॉन पर आपको क्लिक करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें आपको चार ऑप्शन मिल जाता है, जैसे मैं दिखाता हूँ, देख सकते हैं इसमें चार ऑप्शन मिल जाता है। तो पहले से जो है वो ये वाला आइकॉन सेट है जिस पर ए लिखा हुआ है। अगर जो आपका ये आइकॉन सेट रहेगा कैमरा में, तो इससे ये होगा कि आपका कैमरा में जो है वो ऑटो मोड फ्लैश में सेट रहेगा, मतलब कि जहाँ पर आप लो लाइट में फ़ोटो खींचेंगे तो वहाँ पर फ्लैश लाइट जल जाएगा, लेकिन आप हाई लाइट में खींचेंगे जहाँ पर ज़्यादा लाइट रहेगा वहाँ पर खींचेंगे तो नहीं जलेगा। तो ये वाला ऑटो मोड सेट रहने से ये होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक इस तरह का मोड मिल जाता है जिस पर देख सकते हैं क्रॉस का आइकॉन लगा हुआ है। अगर जो आप इस पर क्लिक करके ये वाला सेट कर देते हैं, तो ये वाला सेट रहने से ये होगा कि आप लो लाइट में खींचे फोटो या फिर हाई लाइट में कहीं पर भी आपका खींचने पर फ्लैश लाइट नहीं चलेगा। जैसे मैं लो लाइट में भी खींचता हूँ तो फ्लैश लाइट नहीं जलता है। तो और भी एक दो ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक ये वाला ऑप्शन है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का एक आइकॉन है। अगर जो ये वाला आइकॉन पर क्लिक करके ये वाला सेट कर देते हैं, तो आप लो लाइट में फ़ोटो खींचे या हाई लाइट में कहीं पर भी आप खींचेंगे तो फ्लैश लाइट जलेगा। जैसे देख सकते हैं मैं हाई लाइट में भी खींच रहा हूँ तो यहाँ पर फ्लैश लाइट जल रहा है। तो इस तरीके से अगर जो आप ये वाला ऑप्शन सेट कर लेते हैं कैमरा में, तो आपका फ्लैश लाइट नहीं जलने वाला प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। या आप चाहते हैं कि मैं कहीं पर भी लो लाइट या हाई लाइट में खींचूँ, मतलब कि पहले ही फ्लैश लाइट जला करके फ़ोटो खींचूँ, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक आइकॉन मिल जाता है, आप इस आइकॉन पर क्लिक करके ये वाला सेट कर दीजिए, तो फ़ोटो खींचने से पहले ही फ्लैश लाइट जल जाएगा और आप फ़ोटो खींच सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप आईटेल मोबाइल में फ्लैश लाइट नहीं जलने वाला प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं।